कमिश्नर सदर की बहस के लिए अमरी बहुत मतलब मिले सानी को करी। कल हमने कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में पढ़ा और सेट की डेफिनेशन भी आपको बता दी। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या होता है कि हम सेट को लिखते कैसे हैं, हम सेट को दिखाते कैसे हैं, उसको बोलते हैं सेट नोटेशन। जी हाँ, वही होता है सेट नोटेशन। सेट को हम लिखते कैसे हैं, तो सेट की जो सिंबल है, सेट का जो नोटेशन है, उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जब भी हम किसी सेट को दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, कैपिटल लेटर से, समझ में आया, इससे हम दिखाते हैं सेट को। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है वॉयल्स का, ए ई आई ओ यू, हमने सेट को दिया, लेकिन सेट को हमने लिखा कैसे, कैपिटल लेटर से, मान लीजिए एम, ठीक। तो जब भी आप सेट लिखेंगे जनरली हम उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, वो है पहले पांच इवन नंबर्स का, तो हमने ऐसे लिखा, उसका नाम एम दिया, मगर कैपिटल एम, 2, 4, 6, 8, 10, ये पहले पांच इवन नंबर्स का। तो मतलब ये है कि अगर जब भी आप सेट लिखेंगे तो जनरली हम उसको किसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। उसके बाद जो दूसरी चीज है, आप जब भी सेट को लिखेंगे उस सेट में जो भी कोई चीज आएगी उसको आप करोड़ ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। जी हाँ, करोड़ ब्रैकेट्स के अंदर उसको रखेंगे आप। जो भी चीज सेट में आती है उन सब चीजों को आप किसमें रखेंगे, करोड़ ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे यहां पर एक सेट है एम, ये इसमें क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, हमने इनको कहां रखा, करोड़ ब्रैकेट्स के अंदर। ये देखिए, यहां इसमें आते थे 2, 4, 6, 8, 10, इसको हमने कहां रखा, करो ब्रैकेट्स के अंदर। तो जब भी आप सेट को लिखेंगे, पहली चीज ये कैपिटल लेटर से, दूसरी चीज उसके अंदर जो भी आता है उसको आप करो ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, ठीक। अब है मसला एम का, सेट के अंदर जो चीजें होती है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, उनका दूसरा नाम हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनका तीसरा नाम हम बोलते हैं मेंबर्स। इन तीन में से आप कुछ भी नाम उसको बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं एलिमेंट्स। मान लीजिए एक सेट है एम, इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, यही है, समझ में आया। यहां देखिए हमारे पास एक सेट है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो सेट के अंदर जो भी कोई चीज होगी उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स, तीन में से कुछ भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है पहले तीन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, तो बताइए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें होंगे, 1, 2, 3, तो सेट के अंदर जो भी कोई चीज होती है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, समझ में। अब ये हो गया तीन चीजें। पहली चीज क्या है, सेट को हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, सेट के एलिमेंट्स को जब भी हम लिखते हैं तो करो ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, सेट के अंदर जो भी चीज आती है उनको बोलते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स। उसके बाद एक और चीज है, वो है सिंबलिक। ऐसे एक सिंबल हम सेट में यूज करते हैं वो ये है, इसका मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं BELONGS, belongs to, इसका मतलब होता है belongs to। अगर ऐसे होगा इसका मतलब है does not belong to, ठीक, इसका मतलब है does not belong to, ये क्या होता है belongs to, ये क्या होता है does not belong to, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या है, अब यहां हमने एक सेट लिया है एम, इसके अंदर ये चीजें हैं, ये एलिमेंट्स हैं। मैं आपसे कहूंगा क्या 2 एम के अंदर आता है, तो आंसर है हां। देखिए हम क्या लिखते हैं, हम आपको ऐसे बताएंगे 2 जो है ये बिलोंग करता है एम में, मतलब 2 ऐसा एलिमेंट है जो सेट एम में बिलोंग करता है, मतलब उसमें ये है, उसके अंदर है,
कैसे आपको बताएंगे, सिक्स बताइए, क्या सिक्स सेट एन के अंदर है? तो हां वो है। इसको आप कैसे लिखेंगे, सिक्स बिलोंग्स टू एन। आप किसी ने आपसे पूछा आप बताइए क्या इलेवन इलेवन सेट एन के अंदर आता है? नहीं। आप इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, इलेवन नहीं है एन में, इलेवन डज नॉट बिलोंग टू एन, इसका मतलब नहीं है, इलेवन नहीं है सेट एन में। यहां चलिए, क्या ओ एम सेट में है? हां। कैसे है? देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओ है बिलोंग करता है किसमें, सेट एम में। अब मैंने आपसे एक बात पूछी, अब बी के बारे में बताइए, क्या बी इस एम सेट में है? तो आंसर क्या है, नहीं। लेकिन इसको आप लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू एम, मतलब बी सेट एम में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर होगा उसको आप लिखेंगे बिलोंग टू, अगर नहीं होगा उसको आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग।